नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह हूँ। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, रिवर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर नाम से देहरादून में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है और पिछले 8 साल से मैं हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं हेयर लॉस में मेडिसिन का क्या रोल है इस बारे में आप लोगों को बताऊँगा। जो हेयर फॉल या हेयर लॉस होता है, 99% जो हेयर लॉस होता है वो मेल्स में ज्यादा होता है, जो परमानेंट हेयर लॉस होता है मेल्स में ज्यादा होता है। फीमेल्स में ज्यादातर जो रीजन हेयर लॉस के होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, जो ट्रीटमेंट से उन बालों को दोबारा से रिकवर किया जा सकता है। मेल्स में 99% रीजन जो हेयर फॉल का है वो जेनेटिक होता है। जेनेटिक का मतलब है वो फैमिली में रन करता है। अगर एक मेल पेशेंट है और आप में बाल्डनेस आ रही है तो आप अगर अपनी फैमिली हिस्ट्री को देखेंगे तो 3 जनरेशन फादर या फिर मदर की साइड अगर किसी मेल के बाल कम थे तो वो जीन्स रैंडमली आने वाली जनरेशन में मेल्स में ट्रांसफर होती है, और अगर उसमें उसकी इन्फ्लुएंस वो जीन्स आपके अंदर आई है तो आप जेनेटिकली प्रोग्राम्ड बाल हैं आप में, तो जो ये बीच वाला पोर्शन है ये फॉल हो जाता है। जेनेटिक बाल्डनेस में कोई बेसिक स्किन में या बालों में कोई बीमारी नहीं है। जो इस एरिया के बाल हैं उनकी लाइफ जो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं, जिनकी ऊपर वाले ने जो लाइफ है वो एक उसमें जेनेटिकली प्रोग्राम होते हैं कि भाई एक टाइम में एक एज के बाद ये रूट्स खत्म होती रहेंगी। तो जो ट्रीटमेंट है जो इन पेशेंट्स में वो क्लियर कट होता है। पहली बार ही जब आप हमारे पास आते हैं आपकी बालों की जांच होती है, उसमें ये क्लियर हो जाता है कि क्या ट्रीटमेंट आपकी हेयर कंडीशन में आपको बेनिफिट करेगा। हेयर लॉस का जो पैटर्न होता है वो ऐसा नहीं होता कि आज हेल्दी हेयर है और कल हेयर फॉल हो गया, ऐसा नहीं होता। पहले उन बालों में थिनिंग होती है, बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे हेयर ग्रोथ कम हो जाती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि रूट्स परमानेंटली खत्म हो गई है। जहां पे रूट है प्रेजेंट है और हेयर थिनिंग अभी स्टार्टिंग फेज में है वहां मेडिसिन फायदा करेंगी। वहां मेडिसिन का क्लियर कट रोल है। अगर आप उस स्टेज पे मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप काफी हद तक हेयर फॉल को रोक सकते हैं और जेनेटिकली प्रोग्राम्ड बालों की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जहां पे रूट खत्म हो गई है या फिर हेयर थिनिंग बहुत ज्यादा हो गई है वहां मेडिसिन वर्क नहीं करती है, वहां आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही होगा। जब तक नई रूट्स उस एरिया में नहीं लगाई जाएंगी तब तक उस एरिया में हेयर ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, अब आज हम डिस्कस करेंगे कि जो अगर आपकी रूट्स हैं और हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रही है, स्टार्टिंग फेज है, तो कौन कौन सी मेडिसिन इसमें फायदा करती है जिससे आप अपने हेयर फॉल को सब्सटेंशियली रोक सकते हैं। देखिए, जो मेल्स में हमारा जो बाल गिर रहे हैं, जो आदमी जो गंजे हो रहे हैं, जो हमारा मेल हार्मोन होता है इसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये हार्मोन का जो काम होता है मेल कैरेक्टर डेवलप करना होता है, जो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं और जो हमारा मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से डिफरेंस आता है, जिसमें आपकी दाढ़ी मूछ जो फेशियल हेयर्स हैं, आपकी बॉडी हेयर हैं, आपके सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे डिपेंड करता है। यही हार्मोन अगर आप में जीन्स आई है बाल्डनेस वाली तो यही हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो यहां की रूट्स हैं, इस एरिया की जो रूट्स हैं, इन रूट्स को भी डैमेज करना शुरू कर देता है। जो वर्क करता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक दूसरे बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जिसको डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इन रूट्स में एक्ट करता है और इनको धीरे धीरे थिनिंग और धीरे धीरे रूट्स को खत्म करता रहता है।
जो मेडिसिन है जो जो मेल्स में जो मेल पैटर्न बाल्डनेस को रोकती हैं, इन जो मेडिसिन जो भी मेडिसिन आज की तारीख में सक्सेसफुल है, वो इस टेस्टेस्टेरॉन को डाइहाइड्रो टेस्टेस्टेरॉन में कन्वर्ट होने से रोकती हैं। अगर ये कन्वर्जन रुक जाएगा तो वो हार्मोन इन रूट्स में एक्ट नहीं करेगा और हेयर फॉल को रोक दिया जाएगा। तो दो मेडिसिन इस कन्वर्जन को, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने से रोकती है। एक दवाई का नाम है फेनेस्टेराइड और दूसरी मेडिसिन का जो नाम है वो मिनोक्सिडिल है। ये दो दवाइयां मिनोक्सिडिल और फेनेस्टेराइड ही दो USFDA अप्रूव्ड मेडिसिन है, यही दुनिया भर में अप्रूव्ड मेडिसिन है मेल पैटर्न बाल्डनेस में जो एक्ट करती है। हिंदुस्तान में और दुनिया भर में जो बाकी मेडिसिन बेची जाती हैं हेयर फॉल को कम करने के लिए, वो उनका कोई साइंटिफिक बेसिस जेनेटिक बाल्डनेस में कि आपको बेनिफिट करेंगी ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों मेडिसिन मिनोक्सिडिल और फिनेस्टराइड एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप शुरुआती स्टेज में इन दवाइयों को स्टार्ट कर देंगे तो आप हेयर फॉल को सब्सटेंशियली रोक सकते हैं और जेनेटिक बाल्डनेस को आप डिले कर सकते हैं। एक सबसे पहले ये समझ लें कि अगर आप में जीन्स आई है, जेनेटिक बाल्डनेस जीन है आपके अंदर, तो हम बाल्डनेस हेयर फॉल को स्लो कर सकते हैं, उसको परमानेंट नहीं बना सकते, और जहां रूट जा चुकी है वो रिवर्स नहीं की जा सकती। जहां जा चुकी है वहां ट्रांसप्लांट ही फायदा करेगा। अगर आप शुरुआती स्टेज में इन मेडिसिन को यूज कर लेंगे तो काफी टाइम तक, सपोज आप में सिग्निफिकेंट जेनेटिक इंफ्लुएंस है, जो रूट अगर एक साल में गायब खत्म होनी थी, अगर आप मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है 5-6 साल 10 साल तक उन रूट्स को आप अपने सर पे बचा सकें। दोनों मेडिसिन का अलग-अलग रोल है, लेकिन आप मेडिसिन आप स्टार्ट करने से पहले एक क्वालिफाइड डॉक्टर से, एक हेयर एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि दोनों मेडिसिन्स के फायदे और नुकसान आपको उनको शुरू करने से पहले जानने जरूरी है, और वो एक एक्सपर्ट ही आपको एडवाइस कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है और आपकी फैमिली में मेल्स की साइड बाल्डनेस जीन्स है, तो बेहतर है आप जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, उतना आपको फायदा एक्सपेक्ट होगा और आप जो परमानेंट हेयर लॉस बाल्डनेस से आप बच सकते हैं। ठीक है, आप हमारी क्लिनिक पे अगर आप विजिट करते हैं तो आइडियली आपको सबसे पहले आपका एक एग्जामिनेशन होता है, जो मैं खुद करता हूं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, जिसमें हमें जहां से आपका हेयर फॉल हुआ है वहां रूट्स देखनी होती है कि भाई रूट्स हैं कि नहीं है, और अगर है तो हेयर थिनिंग किस लेवल की है, कि भाई दवाइयां उस हेयर थिनिंग के लेवल को में फायदा करेंगी कि नहीं, ये सब हम आपको पहली विजिट में ही आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपको मेडिसिन के फायदे डिटेल में समझाएंगे, क्या क्या ऑप्शन आपके पास मेडिसिन के अलावा अवेलेबल है, ये सब भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जो हेयर ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ होता है, हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो फेदर टच टेक्निक है, जो हेयर ट्रांसप्लांट की सबसे एडवांस टेक्निक है प्रेजेंट डे में। ना हेयर लॉस और हेयर जो ट्रांसप्लांट से रिलेटेड अगर आप और भी कोई इंफॉर्मेशन हमारे से चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। हम आप कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी आपकी जो भी क्वेरी है उसका जो आंसर है हम आपको दे सके। हमारा व्हाट्सएप नंबर और जिस पे आप कॉल भी कर सकते हैं और हमें मैसेज भेज सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, उसको आप नोट कर लें। वो नंबर है 8979-234-55। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर लॉस से ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी आती है हम आपको इसी चैनल पे अपडेट करते रहेंगे।